ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, नौ मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। हमारे डॉक्टर्स के पास पीपीई नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि मास्क, ग्लव्स, तमाम जो चीजें अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। आज दुनिया में लगभग हर देश वायरस की चपेट में आ चुका है। हर देश इस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हमारे भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। आज सुबह पीएम मोदी ने देश को एक और संबोधन किया। लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी अपने संदेश में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ कहेंगे और इस बीमारी से होने वाली परेशानियों के बारे में देश को बताएंगे या भारत की तैयारी का जिक्र अपने संदेश में करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार भी मोदी जी ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नई थ्योरी दी है। हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। जी हाँ, 5 अप्रैल को रात 9 बजे लोग अपने घरों से बाहर आएं, घरों की लाइटें बंद करें और दरवाजे पर खड़े होकर दिए जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं या फिर कुछ भी प्रकाश जलाएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एकजुटता के दम पर ही इस महामारी को मात दी जा सकती है। मोदी जी ने पहले भी एक ऐसी ही थ्योरी दी थी इस महामारी से लड़ने के लिए। उन्होंने देश को 5 बजे ताली और थाली बजाकर आभार व्यक्त करने को कहा था। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। और लोगों ने मोदी जी के इस आदेश का पालन कैसे किया था, जरा आप ये भी देखिए।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जरूरी हेल्थ उपकरणों की कमी होने लगी है। कुछ डॉक्टर्स रेनकोट्स और मोटरबाइक हेलमेट तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर की समस्या को लेकर अधिक जानकारी सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने शो में दी। पूरे देश में लगातार ये खबरें उभर कर आ रही थी कि हमारे डॉक्टर्स के पास पीपीई नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि मास्क, ग्लव्स, तमाम जो चीजें। अब आपके सामने दिल्ली से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। क्या आप जानते हैं, हिंदू राव अस्पताल से डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि प्रशासन सरकार उन पर जोर डाल रही है कि आप कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज करें, मगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास सामान ही नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो जब आपके पास मास्क नहीं है, आपके पास ग्लव्स नहीं है, आपके पास वो जरिया नहीं है जिसके जरिए आप लोगों का इलाज कर सकें, तो आप लोगों को कैसे बचाएंगे? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस ड्राइवर सेफ्टी केयर और हेल्थ इंश्योरेंस की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। दिक्कतें यह आ रही हैं कि हम सभी 108 102 के समस्त कर्मचारी आज इकट्ठा हुए हैं जिला अस्पताल संत कबीर नगर पर। समस्या यह आ रही है हमारे बीच में कि हमारे पास सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। न हमारे पास ग्लव्स है, न मास्क है, न सैनिटाइजर है, न हैंड वॉश है, न गाड़ियां एक भी आज तक सैनिटाइज हुई है, कोई गाड़ियां सैनिटाइज नहीं है। आज जनवरी के बाद से हमको सैलरी नहीं दी गई है, कर्मचारियों में भूख उत्पीड़न हो गया है, काम छोड़ने के भागने की स्थिति पा चुके हैं, साबुन लेने तक के पैसे नहीं है कर्मचारियों के पास, ये स्थिति आ गई है। कर्मचारी डर के मारे अस्पताल के कमरे से बाहर नहीं निकल रहे परिसर। भारत में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। मोदी जी को देश में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, उसे हल करने के लिए सरकार की भूमिका पर बात करनी चाहिए, ना कि ऐसी थ्योरीज देकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ हमारे देश के गरीब मजदूर भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इसके लिए? अरे हाँ, वो तो ताली और थाली बजाने का नायाब फॉर्मूला दे रहे हैं। एक तरफ हमारे स्वास्थ्य के लिए जो डॉक्टर्स दिन रात लड़ रहे हैं इस भाई भाई बीमारी से बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के और बिना प्रॉपर सप्लाईज के, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, वो तो एक और नायाब आइडिया लेकर आए हैं कि 9 मिनट्स के लिए लाइट बंद कर दीजिए और फोन की फ्लैशलाइट चलाइए और देश से कोरोना भाग जाएगा। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, गो कोरोना गो, है ना मोदी जी? खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सरकार असल समस्याओं पर ध्यान दे और जल्द ही इस बीमारी से देश को निकालने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.